हैं आप सभी सखी चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जीरा सोडा की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, जिसका कंसेंट्रेट आप बनाकर एक शरबत की तरह से आप किसी भी जार में बनाकर रख सकते हैं, और आपको जब भी जीरा सोडा बनाना हो तब उसे तुरंत तैयार कर सकते हैं। बहुत ही जीरा सोडा बनाना हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। और फ्रेंड्स, मार्केट में भी इस तरह की जीरा सोडा की बॉटलें आती हैं मार्केट में, तो आजकल ये काफ़ी पसंद किया जा रहा है, तो मैंने सोचा आज मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूं। तो जीरा सोडा बनाने के लिए फ्रेंड्स, हमने ये 5 चम्मच जीरा लिया है। ये नॉर्मल जीरा है जो हम खाने में यूज़ करते हैं। और ये लिया है मैंने 1 चम्मच काली मिर्च, और 2 चम्मच लिया है मैंने काला नमक, और ये लिए मैंने 4 नींबू, और 1 बाउल मैंने भर के चीनी ली है, और 1 बाउल ही मैंने लिया है पानी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जीरे और काली मिर्च को भूनकर तैयार करना है। गैस को ऑन करते हैं और इसमें डाल देते हैं जीरे को और काली मिर्च को। और फ्रेंड्स, इसको हमें एक अच्छा सा कलर आने तक, इसमें से जब तक एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे तब तक इसे हमें रोस्ट करना है, और इसको हमें धीमी आंच पर ही रोस्ट करना है, और जिससे कि इसका एक बेहतरीन फ्लेवर निकल कर आए। तो फ्रेंड्स, जीरे को हम रोस्ट कर लेते हैं धीमी आंच पर। और फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और आप हमारी ये सारी रेसिपी फेसबुक पर भी देख सकते हैं, और बेल बटन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स, रेसिपी आपको पसंद आए तो आप फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं शिकंजी प्रीमिक्स और जलजीरा और भी कई ड्रिंक की रेसिपी डाल चुकी हूँ, उसके भी लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जीरे को हम धीमी आंच पर अच्छी तरह से रोस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जीरा हमारा रोस्ट हो चुका है, और अब इसको गैस को कर देंगे बंद, और इसको एक प्लेट में हम उतार लेते हैं, और इसको करेंगे हम थोड़ा सा ठंडा, और मिक्सी के जार में डालकर इसका एक महीन पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये दरदरा इसको पीस लिया है, और जीरा और काली मिर्च को, और अब डालते हैं इसमें हम 1 बाउल पानी। और इसमें डालते हैं हम एक बाउल ही चीनी डाल दी है हमने। और अब ये जीरे और काली मिर्च का जो पाउडर है वो भी इसमें हम डाल देंगे, और इसको अब हमें पकने देना है। फ्रेंड्स, इसकी हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, इसमें थोड़ी चिपचिपाहट सी आने लगे बस इतना ही हमें इसे पकाकर तैयार करना है। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा ये हमारा जीरा सोडा बनता है, आप इसे बनाइए, इस भयंकर गर्मी में आपको बहुत ही राहत देगा, और साथ ही जीरा जो हमारे वेट लॉस में बहुत फ़ायदा देता है। अगर आप जीरा सोडा या जीरा पानी के साथ भी अगर लेते हैं तो ये आपके वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर बनाकर रखिए। फ्रेंड्स, इसको पकाते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो गए हैं, और इसकी हमें चाशनी नहीं एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस इसको अब लेकर देखते हैं। ये हमारी दोनों उंगलियों के बीच में ऐसा लगना चाहिए जैसे कि शहद चिपकता है, इस तरह से लगना चाहिए, चाशनी हमें बिल्कुल नहीं बनानी है। और अब ले लेंगे हम एक चलनी, और चलनी में अब हम इसको छान लेंगे। इस तरह से निचोड़ते हुए हम इसको इसमें स्ट्रेनर में छान लेंगे। अब ये हमारा निचुड़ चुका है, इसको हम अलग रख देंगे। इसको आप जीरा गोली वगैरह बनाने में यूज़ कर सकते हैं, आप इसे फेंके नहीं, इसमें अमचूर पाउडर या कच्ची अमिया जो होती है उसको पकाकर आप है ना, जैसे कि सॉल्ट में भी यूज़ ले सकते हैं, और गोलियां भी इसकी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच मैंने काला नमक निकाल कर रखा था, इस नमक को भी हम इसके साथ मिला लेते हैं। और अब फ्रेंड्स, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा ठंडा,
और जब तक हम निकाल लेते हैं इसको नींबू के रस को, इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। फ्रेंड्स जीरे का जो हमने कंसेंट्रेट बनाया था उसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है, और मैंने लिए ये 4 नींबू और इसका मैं रस निकाल लेती हूँ। रस आप पहले से निकाल कर ना रखें, क्योंकि नींबू का रस निकालने के बाद आपका कड़वा हो सकता है, इसलिए जब आपका ठंडा हो जाए तभी आप हाथ के हाथ रस को निकालिए। इस तरह से मैं सारे नींबू के रस को निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनती है, आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा ठंडा हो चुका है और अब डाल देते हैं इसमें नींबू का रस। नींबू का रस डालकर हमें बिल्कुल पकाना नहीं होता है, नींबू का रस पकाने के बाद कड़वा हो जाता है। और फ्रेंड्स अब नींबू का रस डालने से इसमें एक फ़ायदा और क्या होता है, ये जो हमारी जो हमने चाशनी बनाई है इसकी, ये फ्रिज में अगर हम रखेंगे तो ये जमेगी नहीं, और ये हमारा बहुत ही ये हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है। तो आइए इसको अब सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स अब इसको हम ग्लासों में सर्व कर लेते हैं। अब ये 2 चम्मच इसमें से हम इसका जो जीरे वाला सिरप बनाया है इसको डालते हैं। अब डालते हैं इसमें फ्रेंड्स हम आधा आधा पानी और आधा डालेंगे इसमें सोडा। आप इसे इनो के साथ भी बना सकते हैं। और फ्रेंड्स ये लिए मैंने सोडे की बोतल, थोड़ा सा डालते हैं इसमें हम सोडा। और अब डालेंगे इसमें हम आइस क्यूब, ये डाल दी मैंने इसमें आइस क्यूब। और इसको अब लेमन की स्लाइस के साथ गार्निश कर लेते हैं। फ्रेंड्स जीरा सोडा ये बनकर हमारा बिल्कुल तैयार है। आप इसे इस समय भयंकर गर्मी में एंजॉय कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरह से बनाकर आप फ्रिज में बॉटल बनाकर रख सकते हैं, और जब भी आपको पीना हो तब आप इसे पानी या सोडा में मिलाकर तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।